और अब खबर जम्मू से है, जहां जम्मू की बेटियां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश, जज्बा और जुनून देखने को मिल रहा है। बलिदान स्तंभ जम्मू से 5 लड़कियों को दल मोटरसाइकिलों से कारगिल के लिए रवाना हुई है। पहले वे श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगी, बाद में कारगिल में 26 जुलाई को होने जा रहे विजय दिवस में भाग लेंगी। चाहे बीएसएफ में, सीआरपी में, जेकेपी में, जहाँ भी जाना हो, वो हमारी बच्चियाँ ट्रेंड हो गए। ये नारी शक्ति मिशन उनको ट्रेंड करता है और गांव से, बॉर्डर से बच्चियाँ लाके आती हैं और ऐसा काम पूरी स्टेट में हो रहा है। श्रीनगर भी हो रहा है, अनंतनाग भी, हर जगह हो रहा है। आज ये जो बाइक रैली लेके ये कारगिल विजय दिवस पे जो यहाँ से निकल रहे हैं, यही बाइक रैली आगे जाके लाल चौक श्रीनगर में इकट्ठी होगी। श्रीनगर से ये बाइक रैली वो निकलेगी, बहुत बड़ी रैली निकलेगी। लाल चौक से लाल चौक कारगिल जाएगी, वहाँ जाकर ये श्रद्धा सुमन जो हमारे शहीद हुए हैं कारगिल में, वहाँ उनको श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। हमारी बच्चियाँ जा रही है, आज नारी शक्ति आगे निकल रही है, बहुत बड़ी बात है। ये प्रेरणा है हमारे लिए, हमारे बच्चियों के लिए। सपोर्ट क्या रहेगी इनके साथ, क्योंकि काफी दिक्कतें जो है रास्ते में पेश आती हैं। नारी अपने आप में शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ इनके सपोर्ट इनके साथ है, किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जब नारी डट जाती है फिर उनके आगे दिक्कतें बहुत जाती है। आज जम्मू से 5 मेरी बहनें और मैं उनके साथ कारगिल विजय दिवस की सेलिब्रेशन के लिए कारगिल निकल रहे हैं। 5 लोग हम लोग कारगिल में जाएंगे और कारगिल वॉर मेमोरियल